अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बिना जगाए मॉर्निंग में अपने आप 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुल जाती हैं, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वो वजह जिस वजह से आपकी आंखें 3 से 5 के बीच खुलती हैं, और अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, कौन से संकेत हैं जो आपको बार बार दिए जा रहे हैं ताकि आप इसे पहले से समझ जाएं, क्योंकि भविष्य में होने वाला है ये खास बदलाव। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, खुद का ध्यान रख रहे हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप सभी बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और अपनी अपनी सोल पर्पज़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप आपकी आंखें खुल जाना, क्या संकेत दे रहे हैं परमात्मा, यही जानने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले वीडियो को आप वॉच कर पाए। तो ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल जाती हैं, किस तरह का संकेत है? पहले तो ये जान लीजिए कि 3 बजे से 5 बजे के बीच ऐसा क्या होता है जो बहुत ज़्यादा शुभ है। पहले के ऋषि मुनि, देवी देवता सभी लोग, ऐसा कहा जाता है कि इसी समय में ज़्यादा एक्टिव होते थे, इसी समय में अपने अच्छे कार्य किया करते थे। इस समय में अलौकिक शक्तियाँ विचरण करती हैं। अगर इस समय आपकी आंखें खुद ब खुद खुल जाती हैं तो ये संकेत है कि आपके आसपास कोई ना कोई दिव्य शक्ति मौजूद है और वो दिव्य शक्ति चाहती है कि आपकी ज़िंदगी में नए परिवर्तन हो, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी तरक्की हो, समृद्धि हो, आप जो चाहते हैं वो देना चाहती हैं। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ना कोई दिव्य शक्ति होंगी तो मॉर्निंग में 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आप ना भी उठना चाहो तो कभी आपको प्रतीत होगा कि आपके आसपास घंटी बज रही है, कभी आपको प्रतीत होगा कोई आपको धीरे से उठा रहा है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि आप अचानक से एक ऐसे सपने में चले गए हैं जिसमें आपको उठाया जा रहा है और आपकी आँखें खुल जाती हैं। इसके अलावा आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप जिस रूम में सोए हैं या जिस स्थान पर सोए हैं वहाँ कोई नॉक कर रहा है बार बार आपको जगाने के लिए, बार बार आपके कानों में घड़ी की सुइयों की आवाज़ें जाएंगी। अगर इस तरह के संकेत आपको मिल रहे हैं तो ये बहुत खास संकेत है। बस ये समझ लीजिए कि परमात्मा चाहते हैं कि आपके ज़िंदगी में परिवर्तन आए और वो परिवर्तन पॉजिटिव हो ताकि आप अपने ज़िंदगी में नई ग्रोथ देख पाएँ, सक्सेस देख पाएँ, समृद्धि देख पाएँ, आप जो चाहते हैं आपको वो सब कुछ परमात्मा देना चाहते हैं। इसलिए वो दिव्य शक्ति आपको बार बार एहसास दिला रही है कि ये समय है जगने का, ये समय है खुद के ऊपर काम करने का, ये समय है अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने का। इस समय में अगर आप सोते हैं तो समझ लीजिए कि आपके दरवाजे तक आई कामयाबी को आप फिर से वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसलिए अगर बार बार ऐसा संकेत मिले, आपको कुछ नहीं पता है उस समय में आप उठ के क्या करना है, आप बिस्तर छोड़िए और मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के ध्यान से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हो रहे हैं। अगर आप इस परिवर्तन को देखना चाहते हैं और आपके साथ हो रही हैं ऐसी घटनाएं, आपको बार बार जगा रही हैं दिव्य शक्तियाँ, तो आप उसी वक्त अपना बिस्तर छोड़ दीजिए, ध्यान कीजिए, मन ही मन नाम जप कीजिए, मन ही मन मंत्रों का जाप कीजिए। आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी आएंगी, इतनी बड़ी खुशियाँ आएंगी, इतना बड़ा परिवर्तन आएगा जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो मेरी मानिए आप आज की रात जब सोएंगे ना, और जब भी आपके साथ ऐसा हो कि 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुल जाएं,
तो तुरंत उठ के और मैंने जिस तरह से कहा, कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं मन ही मन, या किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं मन ही मन। ये बहुत पावरफुल तरीका है अपने स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने का, अपनी आध्यात्मिक जर्नी को कंप्लीट करने का। अगर आप इस समय में उठ के कोई भी पॉजिटिव क्रिया कर लेते हैं तो यकीन मानिए वो आपके लिए 1000% वर्क करेगी। और आप जिस चीज़ के लिए, जिस इंटेंशन से मेडिटेशन, नाम जप या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, वो आपको मिल के रहेगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिली हो, और इसका पार्ट टू वीडियो चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं फिर से लाइव आऊं और आपको कोई पावरफुल टेक्निक सिखाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुद का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है उसे क्लियर करने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो कर लीजिए। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।